हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर हेल एंड हार्टी। दोस्तों, आज हम लंग फाइब्रोसिस, जिसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी कहते हैं, जो कि आज के रिसेंट सिनारियों में वाइडली स्प्रेड COVID-19 जैसी पैंडेमिक के इन्फेक्शन के बुरे व आफ्टर इफेक्ट के रूप में पेशेंट के लंग्स को अफेक्ट करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका ट्रीटमेंट तुरंत सिम्टम्स दिखते ही डायग्नोसिस करने के बाद ही शुरू कर देने पर यह क्योर हो जाता है, नहीं तो यह इरिवर्सिबल भी हो सकता है, जिस कंडीशन में यह क्योरेबल नहीं रह जाता और पेशेंट के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। इस रोग से बचाव के लिए इसकी जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है जितना इस रोग के ट्रीटमेंट के बारे में जानना। तो दोस्तों, इस वीडियो में लंग फाइब्रोसिस क्या है, इसकी अकरेंस कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, साथ ही इसकी होम्योपैथिक रेमेडीज क्या हो सकती हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा एवं पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हों तो इन्हें जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। लंग्स फाइब्रोसिस को पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी कहते हैं। इस डिजीज में मनुष्य के फेफड़े या लंग्स कई बार स्कार्ड हो जाते हैं, अर्थात इसके सॉफ्ट टिश्यूज में हार्डनेस या थिकनिंग आ जाती है। उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है जैसे बॉडी के किसी पार्ट या एक्सटर्नल पार्ट में रगड़ने से या छिल जाने से घाव या दाग बन जाता हो। लंग्स तो चूंकि इंटरनल ऑर्गन है तो उसमें ऐसी कंडीशन होना बेहद नुकसानदेह होता है। इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस लेने में दिक्कत, सूखी खांसी या ड्राई कफ, थकावट अर्थात फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, जरा सा काम करने पर खांसी आने लगना, भयंकर वीकनेस फील होना, वेट लॉस होना आदि सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। इसी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाने पर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी फेल्योर, पल्मोनरी स्टेनोसिस और लंग कैंसर तक हो सकता है। कंसिक्वेंटली, यह लंग फाइब्रोसिस डिजीज से मनुष्य की लाइफस्टाइल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और यह फेटल भी हो सकता है। आजकल फैले पैंडेमिक COVID-19 में तुरंत डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट शुरू न किए जाने पर 90% से अधिक पेशेंट के लंग्स में वायरल न्यूमोनिया के सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं और ये वायरसेस लंग्स के सेल में, जिन्हें एल्वियोलाई प्लूरल है, मतलब कई एल्वियोलस मिलकर एल्वियोलाई बनता है, एक को एल्वियोलस कहते हैं, उन एल्वियोलाई में ब्लड क्लॉट्स और कफ जमा हो जाता है। ये कफ बहुत ही स्टिकी और चिपचिपे गोंद जैसे नेचर के होते हैं, जिनकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है और ड्राई कफ या सूखी खांसी होने लगती है। जब कोई रीजन नहीं पता चल पाता और ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो उसे इडियोपैथिक लंग फाइब्रोसिस कहते हैं, जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और मोस्टली इरिवर्सिबल होती है, मतलब ठीक नहीं हो पाता और फाइब्रोसिस के आफ्टर इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं। तो दोस्तों, लंग्स फाइब्रोसिस के बारे में जानकारी के लिए आइए लंग्स की एनाटॉमी पर एक संक्षिप्त डिस्कशन करते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन प्रणाली का लंग्स मेजर ऑर्गन्स हैं, जिनमें से राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स दो होते हैं। राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स से साइज में बड़ा होता है, थोड़ा चौड़ा होता है और लेफ्ट लंग थोड़ा सा संकरा और लंबा होता है। राइट लंग में 3 लोब्स और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। दोनों लंग्स मीडियास्टिनम नामक स्ट्रक्चर से सेपरेटेड होते हैं। इसी मीडियास्टिनम में हार्ट, ट्रेकिया, इसोफेगस और बहुत से लिम्फ नोड्स होते हैं। ये लंग्स स्पंजी और एयर फील्ड होते हैं, मतलब हवा से भरे होते हैं। इनमें ट्रेकिया या विंड पाइप द्वारा इनहेल्ड एयर, मतलब खींची हुई सांस, इसकी ट्यूबुलर ब्रांचेस, मतलब ट्यूब लाइक ब्रांचेस होती हैं जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, उनके द्वारा आकर अंदर भर जाता है। ये ब्रोंकाई आगे जाकर स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ये ब्रोंकियोल्स गुच्छे के आकार के या क्लस्टर शेप्ड माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, मतलब माइक्रोस्कोप से देखिए योग्य सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। ये एल्वियोलाई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजते हैं, मतलब जहाँ ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और बॉडी के वेरियस पार्ट्स में पहुँचाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेलेशन द्वारा, मतलब सांस छोड़ने के द्वारा, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल देते हैं, जिसे गैशियस एक्सचेंज कहते हैं। मतलब इस पूरी प्रक्रिया को गैशियस एक्सचेंज कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन इनहेल होकर अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होकर बाहर निकलता है। इन्हीं एल्वियोलाई पर खून के थक्के अर्थात ब्लड क्लॉट्स और कफ का म्यूकस जमा हो जाने पर लंग्स की इलास्टिसिटी पर बुरा असर पड़ता है। इस कंडीशन में क्वालिफाइड फिजिशियन के अंडर में ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर देना जरूरी होता है, तभी फाइब्रोसिस से बचा जा सकता है। वरना कभी कभी ये कंडीशंस इरिवर्सिबल हो जाने पर पेशेंट के लिए फेटल भी हो सकता है, मतलब पेशेंट की मृत्यु तक हो सकती है। तो दोस्तों, आइए अब इसके कॉजेस पर या इसके होने की वजह क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। यह वायरल डिजीज, जैसे आजकल पैंडेमिक फैला हुआ, उसमें कोरोना वायरस के द्वारा डस्ट या स्मोक वाले एटमॉस्फेयर में, मतलब जो लोग ज्यादा धूल धक्कड़ और धुएं वाले प्रदूषण वाले वातावरण में रहते हैं उनको, या स्मोकिंग जिन्हें धूम्रपान की आदत होती है, सिगरेट वगैरह पीने की आदत होती है उन्हें, या किसी वजह से ILD हो, मतलब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो जाए, जैसे खासकर माइंस वगैरह में काम करने वाले को एक्सपोजर होता है, इन लोगों में यह लंग्स फाइब्रोसिस होने की संभावना अधिक होती है।
तो दोस्तों चलिए अब इसके सिम्टम्स पर चर्चा करते हैं। पेशेंट को नॉर्मल एक्टिविटीज करते समय सांस की कमी या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ महसूस होने लगती है। ज़्यादा बोलने से या थोड़ा सा चलने फिरने से भी या सीढ़ियाँ चढ़ने से या फिर नॉर्मल वे में जैसे थोड़ा बहुत काम करने से सांस फूलने लगती है। सूखी खांसी आने लगती है। कभी कभी लेट कर उठने पर या बैठे बैठे भी सांस फूलने लगती है और ड्राई कफ बनने लगता है। फ्रंट बेंडिंग करने पर मतलब सामने की तरफ झुकने पर भी सांस फूलने लगती है। यह सिम्टम्स इसलिए अपीयर होते हैं क्योंकि फेफड़े उचित मात्रा में ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी एल्वियोलाई में स्कारिंग होने के कारण या उनके एल्वियोलाई की स्पंजी टिश्यूज में थिकनिंग या मोटापा होने के कारण उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाने के कारण वो ऑक्सीजन को पूरी मात्रा में इनहेल नहीं कर पाती हैं। जितनी आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में इनहेल नहीं कर पाती हैं। कभी कभी चेस्ट में भारीपन सा भी लगने लगता है। पल्स रेट भी बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है। जोड़ों में और मांसपेशियों में भी दर्द हो सकता है। अक्सर डिहाइड्रेशन जैसा भी हो जाता है, मतलब शरीर में पानी कमी महसूस होती है। ऐसे पेशेंट को कम से कम 5 लीटर पानी दिन भर में पीना चाहिए या समझ लिए 8 से 10 गिलास पानी दिन भर पीना चाहिए और फ्लूइड्स वगैरह भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। अब इसकी डायग्नोसिस के बारे में अगर बात करें तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस की डायग्नोसिस क्वालिफाइड डॉक्टर या कंसल्टेंट या फिजिशियन या जो भी इसके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हों उनके अंडर में होना चाहिए। ऐसा इसका ट्रीटमेंट करने में डॉक्टर कई बार टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, IL-6 और एक्सरे, उसके बाद HRCT भी करने को कहा जा सकता है। ब्लड टेस्ट के अंतर्गत कंप्लीट ब्लड काउंट या CBC, जिसमें लीवर फंक्शनिंग टेस्ट या LFT, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट या KFT, ब्लड शुगर HbA1c का टेस्ट भी करने को कहा जाता है। उसके साथ ही सी रिएक्टिव प्रोटीन या CRP, जिससे इन्फेक्शन का पता चलता है। डी डायमर टेस्ट आजकल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हो गया है, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग पर मेनली फोकस किया जाता है। IL-6, जिसमें बॉडी पार्ट्स में सूजन इन्फ्लेमेशन को डिटरमाइन किया जा सकता है, मतलब जिसमें देखा जाता है कि किस पार्ट में और कहाँ पे इन्फ्लेमेशन है या कितना इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से IL-6 का प्रोपोर्शन बढ़ा हुआ है, इसको डिटरमाइन किया जाता है। इसके अलावा एक्सरे के लिए भी कहा जाता है, जिससे लंग्स की कंडीशन कि कितना ब्लड क्लॉट और कफ जमा है पता चलता है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो करवाया जाता है वह है HRCT या हाई रिजोल्यूशन CT। दोस्तों जैसा कि मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ कि लंग्स के दोनों साइड्स मिलाकर कुल 5 लोब्स होते हैं और हर लोब को 5 स्कोर दिया जाता है। HRCT में हर एक लोब में कितना ब्लड क्लॉट और इन्फेक्शन है यह देखा जाता है और किस किस लोब में है और इस इन्फेक्शन का स्कोर निकाला जाता है। और इससे ये डिटरमाइन किया जाता है 5 लोब्स को मिलाकर टोटल आउट ऑफ 25 स्कोर निकालने पर कितना इन्फेक्शन है ये पता चलता है। अगर आउट ऑफ 25 स्कोर 5 या उसके नीचे आता है तो कंडीशन नॉर्मल है, 10 से 15 के अंदर मॉडरेट और 15 के ऊपर और 25 तक सीवियर कंडीशन माना जाता है। तो दोस्तों आइए लीवर फाइब्रोसिस के रेमेडी के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन पर भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बहुत कारगर मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा क्यूबराचो मदर टिंचर में। यह लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा को इम्प्रूव करने के साथ साथ रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। साथ ही लंग्स के स्कार्ड हो जाने पर या किसी भी तरह के इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज में या फाइब्रोसिस होने पर भी उससे बचाता है। लंग्स में टार जमा हो जाने पर, जो कि स्मोकर्स वगैरह के होता है धूम्रपान करने वाले के, उसको भी धीरे धीरे डिजोल्व करके लंग्स को क्लियर करता है। एस्पिडोस्पर्मा क्यूबराचो को हमेशा मदर टिंचर लेना चाहिए। जब एक्यूट केस हो, जब पेशेंट की हालत ज़्यादा खराब हो, तब आधे कप पानी में 20 बूंद एस्पिडोस्पर्मा की लेके पेशेंट को पिलाना चाहिए और ये प्रक्रिया रिपीट करनी चाहिए। इस प्रोसेस को रिपीट करना चाहिए, मतलब कई बार 20-20 बूंद पिला देना चाहिए, जिससे जल्दी आराम मिल जाएगा। और जब आराम मिल जाए तब इसकी डोज कम की जा सकती है, दिन में 3 या 4 बार कर दिया जा सकता है। दूसरी मेडिसिन है ब्रायनिया एल्बम। इसकी 30 या 200 पोटेंसी दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं, पर 30 बेटर रहेगा। जब लंग्स में कफ जमा हो, खांसी के साथ बलगम ना निकल रहा हो, ड्राई कफ हो और खांसने में दिक्कत हो, तो ब्रायनिया 30 की 3 से 4 बूंद चाहे जीभ पर डायरेक्ट डालकर या पानी में मिलाकर दिन में 3-4 बार पीने से जल्द आराम मिल जाता है। तो पेशेंट को ब्रायनिया 30 की 3-4 बूंद उसके डायरेक्ट जीभ पर डालकर या पानी मिलाकर 3-4 बार देना चाहिए। अगर 200 हो तो 2-3 बार देना चाहिए। तीसरी दवा है एंटीमोनियम आर्सेनिकम। इसकी 30 पोटेंसी ज़्यादातर यूज़ में लाई जाती है। जब किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से न्यूमोनिया लंग डिजीज हो जाती है तो इसका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है। इन्फ्लुएंजा की वजह से हो, म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा होता हो, तो यह दवा बहुत कारगर साबित होती है। इसकी 30 पोटेंसी 2-3 बूंद 3-4 बार देनी चाहिए। चौथी और बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है स्पॉन्जिया टोस्टा। जब ब्रीदिंग के दौरान वीजिंग साउंड हो, कफ निकलने में बहुत दिक्कत आती हो, तो स्पॉन्जिया 30 या 200 की 3-4 बूंद डायरेक्ट टंग पर या पानी में मिलाकर 3 से 4 बार देना चाहिए। इससे कफ निकलने में बहुत आसानी होती है, वीजिंग साउंड बंद होता है और सांस की मतलब क्लियर वॉइस आने लगती है। पांचवी और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मेडिसिन है फॉस्फोरस। यह ड्राई कफ के साथ जब स्कैंटी बलगम निकले तो उसमें यूजफुल है।
लंग्स में स्कैंटी कफ जमा हो जाए, खांसने के साथ सांस फूलने लगे, तो फास्फोरस का यूज करना चाहिए। इससे लंग्स के टॉक्सिन्स निकलने में भी हेल्प मिलता है। इसकी 30 पोटेंसी के नीचे यूज नहीं करना चाहिए। इसकी 30 पोटेंसी 3-4 बूंद या डायरेक्ट जीभ पर टपका कर या पानी में मिलाकर पेशेंट को दिन में कम से कम 3-4 बार देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। नमस्कार।